जिस प्रकार से सभी टीवी शो कंटिन्यू चल रहे थे, लेकिन अचानक से लॉकडाउन लगना और सभी शो जिससे स्टॉप हो चुके थे पूरी शूटिंग, और अब जब शूटिंग की वापस से उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो लॉकडाउन को किस प्रकार से उस सीरियल के माध्यम से भी, उस शो के माध्यम से भी दिखाने की कोई कोशिश है? अभी जो आप अभी जो शूट चल रहा हो उस पर क्या करके क्या कुछ अभी शूट चल रहे हैं? अभी जैसे हमारे शो में भी ना बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग हर सीन में हम लोग दूर दूर खड़े रहेंगे. अगर इनफैक्ट वॉज वेरी फनी, थोड़ा अजीब सा लग रहा था. एक अभी वो सीन था जिसमें जो हमारा जो लीड है उसकी डेथ हो जाती है, उसको यू नो उस पर अटैक होता है, तो हम लोग दूर से ही रिएक्ट कर रहे हैं, हम लोग छू नहीं रहे हैं यू नो. सो बिकॉज दिस इज वी हैव टू फॉलो इट, वो गवर्नमेंट का रूल है कि आप नहीं फॉलो कर सकते. दैट्स ऑन दैट बेसिस ओनली द शूटिंग्स हैव बीन परमिटेड, सो दैट इज वाई वी हैव टू फॉलो दैट. बट हम लोग जैसे इमोट करना चाहिए वैसे हम नहीं कर पा रहे हैं. मे बी ऑडियंस आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू टेक इट, बिकॉज उनको भी लगेगा कि अरे ऐसे सीन में तो उनको पकड़ना चाहिए लोगों को जाके. इनफैक्ट हीरो हीरोइन का जो सीन भी आ रहे हैं तो उसमें भी देयर इज रिस्ट्रिक्शन कि वो रोमांटिक सीन में भी वो मतलब दूरी से यू नो लाइक दे आर यू नो रोमांसिंग. तो अब देखते हैं कैसा लगता है ऑडियंस को, बट वी आर ट्राइंग टू फॉलो द रूल्स एब्सोल्युटली द वे इट्स सपोज टू बी, ताकि हम लोग कोई भी वो क्रॉस नहीं करें लाइन और हम लोग फॉलो करें. जसविंदर जी, जिस तरह से फिटनेस की बात की जाए, आपकी फिटनेस अभी भी वही देखने को मिल रही है. तो इस लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से लोगों का एक कमरा ही उनकी दुनिया बन चुकी थी, तो इस दौरान आपने किस तरह से अपनी फिटनेस का ध्यान रखा और किस प्रकार से बिना जिम के भी अपनी फिटनेस को आपने कायम रखा? एक्चुअली एक बहुत अच्छी बात है कि मैं वैसे भी जिम नहीं जाती हूँ, तो मैं शुरू से ही घर पे ही एक्सरसाइज करती रही हूँ. तो जब लॉकडाउन हुआ भी तो भी मैंने वही चीज़ कंटिन्यू की और खाने पीने का भी ध्यान रख रही थी. लेकिन हाँ, ये इस टाइम थोड़ा ऐसा माहौल था बिकॉज यू नो लाइक मैं थोड़ा बता दूँ बैकग्राउंड कि मैं यहाँ बॉम्बे में रहती हूँ फैमिली के बिना. मैं यहाँ काम के लिए रहती हूँ एंड माई फैमिली स्टेज इन देवलाली, ओके, माई हस्बैंड एंड किड्स. तो जस्ट जैसे ही हम लोग को ऐसा न्यूज़ मिला कि भाई अभी शूटिंग थर्ड मतलब 16th को मालूम पड़ा कि हमारा लास्ट शूट 18th को होगा और हम लोग 31st तक का हमारा मतलब शूट बंद है उसके बाद बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल दिस कन्फ्यूजन दैट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो अभी बंद है थोड़े दिन के लिए, तो हम लोग शूट बाद में चालू करेंगे. तो आई क्विकली मेड श्योर दैट आई वेंट होम, ओके. अब वहाँ पे जाके फिर लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया, सब चीज़ें होने लगी. तो आई वॉज देयर विद देम फॉर 3 months. तो इट वॉज द लॉन्गेस्ट पीरियड दैट आई स्पेंट विद देम, लॉन्गेस्ट टाइम इन 5 years, क्योंकि हम लोग 5 साल पहले ही हम लोग शिफ्ट हुए थे देवलाली. तो खैर इस दौरान में ऑब्वियसली हमारे वहाँ पे थोड़ा हमारी दो मेट्स हैं जो दो टाइम आती हैं और जाती हैं, लेकिन अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था. तो आई हैड टू डू एवरीथिंग, लाइक मी एंड माई हस्बैंड वी वर शेयरिंग वर्क. बच्चों की पढ़ाई चालू हो गई थी, व्हाट्सएप पे आ रहे थे कि यू नो जो भी सब्जेक्ट्स के जो भी मतलब मटेरियल थे वो सब व्हाट्सएप पे आ रहे थे, उनको क्या क्लास वर्क करना, होमवर्क करना, मतलब एवरीथिंग दे वर गेटिंग इट ऑन व्हाट्सएप. तो वी हैड टू लुक इनटू दैट ऑल्सो. प्लस हमें क्या बोलते हैं, काम भी करना था, झाड़ू पोछा बर्तन खाना एवरीथिंग यू नो, तो क्लीनिंग अप. सो दैट वाज आल्सो आई थिंक कीपिंग मी लिटिल फिट, क्योंकि वो भी हो रहा था. प्लस आई वाज आल्सो एक्सरसाइजिंग द वे इट वाज, जैसे मैं पहले करती तो वैसे मैं भी मतलब एटलीस्ट 20 मिनट्स उठ के पहले अपना जो भी योगा और थोड़ा यू नो जो स्ट्रेचेस वगैरह करती रही हूँ. जिस तरह से जब एक स्टार कास्ट की बात करते हैं तो उनकी एक दुनिया जो होती है, उनकी पूरी टीम हो जाती है जो उनके शो के होते हैं. 3 months ब्रेक के बाद जब आप वापस अपने सेट पे पहुंची तो किस प्रकार की फीलिंग्स थी, कितनी हैप्पीनेस थी और कितनी नर्वस थी कि मतलब आप इतने टाइम बाद फिर वही टीम और वही फैमिली आपके साथ आपके उस सेट पे होगी, और मन में डर भी था कोरोना को लेकर कुछ? हाँ, एक्चुअली हम लोग बहुत खुश हुए एक दूसरे को मिलके, बट वही मैंने कहा ना कि बहुत अफसोस रहा था कि हम लोग को मन करा था एक दूसरे को जाके हग करें, बिकॉज इतने दिन के बाद आप मिल रहे हैं यू नो लाइक यू वर मिसिंग देम, यू वर मिसिंग ईच वन ऑफ देम, लेकिन वो नहीं कर सकते थे. हम लोग लाइक यू नो आई लाइक यू नो ओके ऑल लव टू यू ऑल लाइक दैट यू नो दैट्स ऑल वी कुड मीट. बट यस, हमने बातें की, ऐसे दूर दूर बैठ के बातें कर रहे हैं हम लोग मास्क पहन के, ऐसे मतलब यही माहौल है अभी, क्या करें.